फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी, राइट एंगल्ड एट सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास जो राइट एंगल एट सी पे है। लेट दिस इज पॉइंट ए बी एंड सी। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ए बी का हाइपोटेन्यूज का एम कोई मिड पॉइंट है, एम इज द मिड पॉइंट। यहाँ से पैरेलल टू बी सी एक लाइन ड्रा की, इंटरसेक्ट ए सी एट डी। इस लाइन के पैरेलल हमने जो ए सी को डी पे इंटरसेक्ट कर दी है। शो दैट, थ्री पार्ट्स हैं ये हमने शो करने हैं। सॉल्यूशन देखें, हमें गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी हमें क्या दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब अगर हम इन ट्रायंगल ए बी सी लें, इन ट्रायंगल ए बी सी और साथ में एम डी, एम डी इज पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम डी इज पैरेलल टू बी सी। सो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमने प्रूव कर दिया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब एम डी जो है, सेकेंड पार्ट के लिए एम डी जो है वो पैरेलल टू बी सी है। सेकेंड में एम डी इज पैरेलल टू बी सी, बट एंगल सी हमारा क्या है? 90 डिग्री है। एंगल डी प्लस एंगल सी, एंगल एम डी, एम डी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180। को इंटीरियर एंगल, ये दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। को इंटीरियर एंगल्स, बट एंगल सी इज 90, सो एम डी सी प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 90 उधर जाके माइनस कर दीजिए, सो एम डी सी इज इक्वल टू कितना बचेगा? 90 डिग्री। दैट मीन्स एम डी इज परपेंडिकुलर, सो एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी हो गया। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में हमें दिखाना है सी एम इज इक्वल टू एम ए, तो मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। हमने ये ज्वाइन कर लिया थर्ड पार्ट के लिए। दो ट्रायंगल लेते हैं हम, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए एम डी एंड सी एम डी, एंड ट्रायंगल सी एम डी। ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि ये इसका क्या था? डी मिड पॉइंट ऑफ ए सी हो गया। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट एम डी इज इक्वल टू एम डी, ये हमारा कॉमन हो गया। एंगल ये 90 हो गया। एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल सी डी एम इज 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो बाई साइड एंगल साइड, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एम डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ए एम इज इक्वल टू सी एम, ए एम इज इक्वल टू सी एम,
but AM is half of AB. इन्होंने दिया हुआ था क्या कि M is mid point of AB. ठीक है, AM CM के इक्वल है तो ये सारी आ जाएंगी. सो AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. ये हमारे सभी के सभी पार्ट्स प्रूव हो गए और बहुत ही आसान सा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था. चलिए इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.